रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, और वहीं पे इजराइल और फलस्तीन का युद्ध भी बढ़ता ही जा रहा है। और पूरी दुनिया इस समय ये सोच रही है कि आप फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर यानी वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध हो सकता है। हो सकता है कि अभी खाली बातें ही होती है पीस को लेकर, शांति से रहो, लेकिन सबके मन में कहीं ना कहीं ये तो आता ही है कि हर देश खुद को सुरक्षित रखने के लिए हथियार इकट्ठा करते जा रहा है। मिसाइलें, रॉकेट, फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल, तो न जाने क्या क्या हथियारों की कतार बहुत लंबी होती जा रही है। मगर जब बात होती है विश्व युद्ध की दोस्तों, तब बहुत खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जाने वाला होता है दोस्तों। और हथियार का नाम जब लिया जाता है तो सबसे खतरनाक परमाणु बम होता है। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता दोस्तों कि आने वाले समय में परमाणु हथियार पर ही लड़ाई चली करेंगी। और अब ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल अहम है वो ये है कि आखिरकार कितने देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब यानी परमाणु हथियार है, और अगर है तो किसके पास कितने। यार इसी वीडियो में हम आपको ये सारी बातें जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और भारत कितना शक्तिशाली ये भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दे, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वक्त दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार है दोस्तों, जिनमें से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इसराइल और उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया शामिल है। अब किसके पास कितने हथियार है इस समय, इसके बारे में बात करने से पहले आपको ये बता रहे हैं हम दोस्तों, परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है, इसने 6 साल अपनी रिसर्च में बताया कि चीन और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर मिशन को तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में विश्व युद्ध के लिए वो तैयार है, और हो सकता है कि न्यूक्लियर के मामले में वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन के उभर जाए। कितना हथियार होता है परमाणु हथियार, आपको बताते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि परमाणु बम कितना खतरनाक हो सकता है और कितनी तबाही मचा सकता है। 1945 में जब पहली और आखिरी बार किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया था यानी कि जापान के ऊपर, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पे 6 अगस्त पे और नागासाकी पे 9 अगस्त पे परमाणु बम गिराए थे। हिरोशिमा आज भी इस बात की गवाही देता है कि कैसे परमाणु बम किसी देश को तहस नहस कर सकता है। आज भी यहाँ के लोग इसके लिए उभर नहीं पा रहे हैं उस गम से दोस्तों। अब आप समझ गए हैं कि परमाणु बम कितना खतरनाक हो सकता है और कितनी तबाही मचा सकता है। तो अब देखते हैं किस किस देश के पास कितने कितने परमाणु हथियार है। अमेरिका दोस्तों वो पहला देश था जिसने सबसे पहले परमाणु हथियार बनाया था दोस्तों, और सबसे पहले उसने उसका इस्तेमाल भी किया था। उसका नाम था फैट बॉय और लिटिल बॉय नाम के हथियार बनाए थे उसने। 1940 से 1996 तक अमेरिका सरकार $8.8 trillion परमाणु हथियार पर खर्च कर चुकी थी दोस्तों। दुनिया में अमेरिका एक पहला देश था जिसने परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी किया है। और हम बता चुके हैं अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर इसका इस्तेमाल किया था और तबाही मचाई थी। अगर आज की बात करें तो अमेरिका के पास दोस्तों 5,550 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिनमें से 1,800 परमाणु हथियार एक्टिव हैं। और रूस की बात करें तो इस समय यूक्रेन के साथ जंग चल रही है, मगर अमेरिका के बाद दूसरा देश है जिसके पास परमाणु बम का जो यूज किया था। 29 अगस्त 1949 में दोस्तों पहला परीक्षण किया था उसने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, सोवियत एटॉमिक बम नाम दिया था अपने प्रोजेक्ट को। और 24 अक्टूबर 1990 को रशिया ने अपना आखिरी परमाणु परीक्षण किया था। वर्तमान समय में 6,257 परमाणु हथियार मौजूद है इसके पास, इनमें से 1,600 परमाणु एक्टिव फॉर्म में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु के ऊपर अलर्ट करते रहते हैं कि भाई साहब तैयार रहिए, कभी कुछ भी हो सकता है। इनमें से परमाणु हथियार भी शामिल है। अब दोस्तों दुनिया भर में परमाणु हथियारों को लेकर चर्चा बढ़ गई है, और इसलिए हमने आपके लिए वीडियो बनाई है। चीन की बात करें दोस्तों तो इस समय 350 परमाणु हथियार है, कोई भी एक्टिव नहीं है। लेकिन वीडियो के शुरू होने में हमने बताया था कि चीन और पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, और आने वाले समय में अगले 10 साल में 15 साल में चीन और पाकिस्तान, खासकर चीन, अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। चीन ने पहला परमाणु परीक्षण 16 अक्टूबर 1964 में किया था दोस्तों, और आखिरी परीक्षण 29 जुलाई 1996 को किया था। फ्रांस की बात करें तो यूरोप में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार जो है फ्रांस के पास ही है। इसके पास 290 परमाणु हथियार है, जिसमें से 280 एक्टिव वेपन्स हैं। और इसलिए दोस्तों आज फ्रांस जो है चौथा सबसे बड़ा परमाणु हथियार वाला देश बन गया है। अमेरिका, रूस और यूके के बाद फ्रांस एक ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने परमाणु हथियार का परीक्षण और विकास किया है।
फ्रांस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 13 फरवरी 1960 को किया था और आखिरी परीक्षण इसे 27 जनवरी 1996 को किया था। यूके यूनाइटेड किंगडम इसके पास अब तक 215 परमाणु बम है। अमेरिका और रूस के बाद यूके तीसरा ऐसा देश है जिसने परमाणु का परीक्षण किया। इसने 3 अक्टूबर 1952 में और आखिरी 26 नवंबर 1991 में भी किया था। इस वक्त इसके पास 225 परमाणु हथियार है दोस्तों, जिसमें से 120 एक्टिव फॉर्म में है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी जो हमेशा भारत की नाक में दम करने के लिए लगा रहता है और भारत उसको कसता रहता है वक्त वक्त, इतना हराने के बाद, इतना जलील करने के बाद, इतना उसको दिखाने के बाद कि बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, उसके बावजूद भी वो चलता रहता है। लेकिन फिर भी बताते हैं आपको इसके बारे में भी। इस लिस्ट में 6वें नंबर पे है पाकिस्तान के पास इस समय 165 परमाणु बम है और भारत के बढ़त बढ़ाने के चक्कर में पाकिस्तान परमाणु हथियारों को विकसित करने में लगा रहता है। भारत ने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1967 में की थी दोस्तों। पहला परमाणु परीक्षण जो है सही मायनों में 1998 में किया था। अब तक भारत 6 टेस्ट कर चुका है। भारत के पास 160 परमाणु बम है इस समय। अपने पड़ोसी पाकिस्तान का मानना है कि भारत जो है 400 से 500 परमाणु हथियार बना सकता है। इसराइल के पास 90, नॉर्थ कोरिया के पास 45 परमाणु बम है। लेकिन अच्छी बात यह है जो सबके सामने आई है वो ये है कि इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की माने तो साल 2020 की तुलना में 2021 में अब तक परमाणु संख्या में कमी आई है। दुनिया में टोटल 13,400 न्यूक्लियर वेपन्स बताए जाते हैं दोस्तों, जो कि 2021 में घटकर 13,080 हो गए। अब तुरंत किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार रहने वाले जो परमाणु बम है वो उतने एक्टिव फॉर्म में नहीं है। 3,720 न्यूक्लियर बॉम्ब है जो तैनात रहते हैं, जो कि 21 में बढ़कर 38 तो हो गए थे। कब पड़ती है परमाणु हमले की जरूरत, ये बताते हैं आपको। अब सुनते हैं कि हमारे मिसाइल मैन यानी कि डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने इस सवाल का जवाब कैसे दिया। उनका हमेशा से ये कहना था कि परमाणु हथियार शांति के हथियार हैं, क्योंकि दूसरे देश को अपने ऊपर हमला करने से रोकते हैं और यही कारण है वेपन ऑफ डिटरेंस कहा जाता है परमाणु हथियारों को, यानी युद्ध को रोकने वाले हथियार कहा जाता है। इसकी जीती जागती मिसाल है यूक्रेन। यूक्रेन ने 5 दिसंबर 1994 को अपने सारे परमाणु हथियार रूस को दे दिए थे। बदले में रूस ने उसे सिक्योरिटी देने का वादा किया था, लेकिन अब वही रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ बैठा है। ऐसे में यूक्रेन के पास अगर परमाणु बम होते तो शायद पुतिन उस पर उस हिसाब से हमला नहीं करता। क्या आपको लगता है कि परमाणु हथियार शांति के हथियार है या फिर विनाश के हथियार, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को फैलाना व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।